हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे अलीनन चैनल में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आज मेरे यहाँ कितनी अच्छी बारिश हो रही है और मेरे सारे प्लांट बारिश में ये देखिए भीग रहे हैं। इसको भी मैंने बाहर निकाल दिया था बारिश में भीगने के लिए, तो अभी मैं थोड़ी देर पहले इसको अंदर ले आई हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है ये है मेरे पास चिली प्लांट। ये देखिए यहाँ पे भी ये थोड़ा बारिश की बूंदें आती हैं, ये भी थोड़ा थोड़ा भीगे हुए हैं। तो आपको मैं आज चिली प्लांट में वनजी कटिंग जो होता है, हम लोग वनजी कटिंग बोलते हैं या बोलते हैं पिंचिंग करना, तो इसके बारे में बताने वाली हूँ। तो आपको जैसे ये चिली प्लांट हमारा है तो इसमें हम क्या करें कि इसमें, और देखिए अभी इसमें केवल एक ही एक है, एक ही इसमें सीधा स्टेम है एक, तो इसमें काफ़ी सारे स्टेम आए ताकि काफ़ी सारे इसमें चिलीज लगें। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो ये देखिए जो हमारा चिली प्लांट है इसमें मैंने 1 2 3 4 5 चिली प्लांट है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा चिली प्लांट है आप देख रहे हैं बहुत हार्ड होता है करना हमारे लिए पिंचिंग, लेकिन ये करना तो पड़ेगा ही, नहीं तो इसका अच्छा ग्रोथ नहीं होता है। तो आपको इसकी पिंचिंग के लिए कुछ नहीं करना है, बस एक नॉर्मल सीजर लेके आपको ये देखिए जहाँ से आपको ये दिख रहा है यहाँ से इस तरीके से आप इसको पिंचिंग कर दीजिए। ये देखिए इस तरीके से आपको इतनी कटिंग इसकी निकाल देनी है, बहुत हार्ड होता है इतना, देखो मैंने निकाल दिया। तो इस तरीके से जितने भी हैं सब में आपको इसी तरीके से कटिंग, या फिर आप फिंगर की हेल्प से, ये देखिए इस फिंगर से बल्कि ज़्यादा आसान होता है। तो इस तरीके से ये देखिए जितने भी हैं सब में से आप निकाल दीजिए, और इससे क्या होगा कि काफ़ी सारे स्टेम आ जाएंगे कुछ ही दिनों में, और काफ़ी सारे इसमें आपके प्लांट्स निकल आएंगे। तो आपको इस तरीके से सब में आपको ऐसे पिंचिंग कर देनी है, ये देखिए आपको सब में इसी तरीके से पिंचिंग करना है, और ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ करेगा, जल्दी से इसमें ग्रोथ हो जाएगा। तो ये देखिए अभी ये कुछ इस तरीके से हो गया है। अब इसका कुछ दिन में आप देखिएगा इसमें काफ़ी सारे हर जगह से इसमें छोटे छोटे स्टेम निकल आएंगे। तो सो फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरीके से मैंने इसकी पिंचिंग कर दी है, इसे वनजी कटिंग बोलते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर दी है, और अब इसमें से काफ़ी सारे क्या होंगे स्टेम निकलेंगे, जिससे इसका ग्रोथ अच्छा हो जाएगा, और जब इसमें चिलीज भी अच्छे से निकलेंगी काफ़ी सारे। और इस तरीके से हमें पिंचिंग करते रहना चाहिए बीच बीच में अपने प्लांट। और ये देखिए मैंने इसकी मिट्टी की कुड़ाई भी कर दी है। तो चिली प्लांट ऐसा प्लांट होता है जिसको, चिली प्लांट के वेजिटेबल जितने भी प्लांट होते हैं इनको सनलाइट और वाटरिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अब इसमें आप अच्छी वाटरिंग और इसको सनलाइट अच्छी दें, तो जिससे इसका ग्रोथ जो है जल्दी से और अच्छे से हो जाए। फ्रेंड्स, ये देखिए इसमें वनजी कटिंग के बाद जो मैंने पिंचिंग की थी उस वजह से ग्रोथ हो गया है, और ये देखिए इसमें छोटे छोटे यहाँ से भी निकल आए हैं। देखिए एक एक प्लांट में 3-3 ब्रांचेस निकल आई हैं, यहाँ पे भी देखिए इधर ही और यहाँ, और जितने भी प्लांट थे सब में मैंने किया हुआ था, तो देखिए सारे में निकल आए हैं। ये देखिए इन सब में ऊपर भी निकल आए हैं। तो अब इसमें ये जो थोड़ा सा ग्रोथ हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो मैं इसमें एक कटिंग एक बार और पिंचिंग करूँगी, और पिंचिंग करने के बाद आपको इसमें देखिए मैंने इसकी मिट्टी की अच्छी सी गुड़ाई की हुई है, और इसमें देखिए थोड़ा सा कंपोस्ट डाला हुआ है। पिंचिंग करने के बाद आप थोड़ा सा बीच में इसको, तुरंत नहीं बीच में कभी, अपना थोड़ा सा इसमें कंपोस्ट और वाटरिंग अच्छे से कर मिट्टी की गुड़ाई कर दें, तो काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करता है। तो फ्रेंड्स, और इसमें काफ़ी ब्रांचेस निकल जाएंगे अगर आप इस तरीके से पिंचिंग करते हैं। तो सो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो कॉमेंट में बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, बाय बाय।